लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं, यह अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बन गई हैं, उससे साफ होता है कि गठबंधन चाहने वालों का पलड़ा भारी है। हालत यह है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस तीन धड़ों में बंट गई है। इनमें दो धड़ सीधे तौर पर गठबंधन की खिलाफत कर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। गठबंधन को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने खुले तौर पर वकालत की है। चाको ने कहा कि हमने वर्किंग कमेटी में फैसला लिया था कि भाजपा को 2019 के चुनाव में हराने के लिए जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, हम उनसे गठबंधन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में कांग्रेस डीएमके, आरजेडी, एनसीपीसी के साथ गठबंधन किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप मिलकर ही भाजपा को 7 सीट पर हरा सकती है। जिसके बाद शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में यदि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकती हूं। अब देखना ये होगा कि आपसे गठबंधन पर आलाकमान क्या फैसला सुनाते हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।